السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم علماء کرام، پیارے دینی بھائیو اور پیاری ماؤں اور بہنوں، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقدمے کے طور پر میری اتنی تعریف کر کے اور میرے آگے اور دائیں بائیں کو اتنا بوجھل کر کے مجھے اتنا مرعوب کر دیا گیا ہے کہ اب مجھے یہ سنبھالنا پڑے گا کہ کہیں میرے بارے میں لوگ غلط تصور لے کر کے نہ جائیں. ساتھیو، میں کیا ہوں وہ خود میں جانتا ہوں. میں شیخ محترم کے تعریفی کلمات کے بارے میں اگر کچھ کہوں تو یہ نامناسب ہوگا، اور لوگ بھی اسے ریا اور نمود پر محمول کریں گے. میں صرف یہ کہوں گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، جو کچھ میرے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں اسے تو معاف کر دے. اے اللہ تعالی، میری جن کمزوریوں اور غلطیوں سے لوگ واقف نہیں ہیں، جس طریقے سے تو نے اب تک پردہ ڈالا ہے اس پر مزید مستقبل میں پردہ ڈال. اے اللہ تعالی، مجھے ان لوگوں کے حسن ظن کے مطابق بنا دے جو تیری قدرت سے بعید نہیں ہے. ساتھیو، سب سے پہلے اہل محصلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی اس کوشش اور اس عظیم اجتماع پر، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اب تو مجھے یہ شبہ ہونے لگا ہے کہ محصلہ ہے اور سین سے جو لکھا جاتا ہے شاید یہ غلط ہے، اسے میم ہے اور سات سے لکھنا چاہیے. اسی سے حوصلہ بنا ہوا ہے،
और हौसला कहते हैं चिड़िये कबूतर मुर्गी और मुर्ग के आगे के उस हिस्से को जिसमें जल्दी जल्दी से दाने चुनकर को जमा कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे वो अपने जिस्म के अंदर हस्ब ज़रूरत मुंतकिल करती रहती है। इसी तरीके से गोया एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस करके मुख्तलिफ़ अनावीन पर मुतअद्दिद तकरीरें करा करके गोया यहाँ पर ऐसा इल्म हाजिर होने वालों को दे दिया जा रहा है, ऐसी तौजीहात उनके सामने पेश कर दी जा रही हैं कि यहाँ से उन चीज़ों को ले करके जाएं और हस्ब ज़रूरत और हस्ब हाजत अल्लाह की मखलूक तक उसे पहुँचाएँ। इस मुनासिबत से शायद मुहसला का नाम मुहसला रखना ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह तबारक व ताला अगर नाम के तौर पर नहीं तो काम के तौर पर इसे मुहसला ज़रूर बनाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इन भाइयों की, इन अहले इल्म की, इन नौजवान रिदाकारों की जिनके चेहरे पर इस्लामी आसार ज़ाहिर हैं, नूरे तौहीद उनके चेहरों से रोशन है, अल्लाह तबारक व ताला उनकी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए। उसके बाद साथियों, हर इंसान की ये फितरत है कि वो औलाद चाहता है, वो औलाद से मोहब्बत करता है, उसे औलाद की ख्वाहिश होती है, उसे औलाद की चाहत होती है। बल्कि मौजू ही से मुतालिक लेकिन थोड़ा सा किनारे हट करके ये बात कहता चलूं कि इंसान के दिल में औलाद की मोहब्बत वो फितरी चीज़ है जो वालिदैन की मोहब्बत नहीं है। ताजुब ना करें, इसलिए हर शख्स देखे कि जितनी मोहब्बत अपने बीवी और बच्चों से करता है उतनी मोहब्बत अपने माँ बाप और भाइयों से नहीं करता, और ये फितरत है, इंसान की फितरत है कि माँ बाप से मोहब्बत कम हो और बीवी बच्चों से मोहब्बत। क्यों, वजह क्या है कि हम लोग आदमी हैं ना, हजरत आदम की औलाद है ना, हजरत आदम की ना माँ थी ना बाप था, उनकी बीवी और बच्चे थे, तो लिहाजा हमें और आपको अगर बीवी और बच्चों से अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत होती है तो क्या है, एक फितरी चीज़ है, फितरत के खिलाफ नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की खिदमत और उनसे मोहब्बत करने, उनकी खिदमत करने की सख्त ताकीद फरमाई है। क्यों, इसलिए कि ये फितरत से चूंकि छोटी से थोड़ी से हट करके चीज़ है लिहाजा लोगों से कोताही हुआ करती है, तो इसी कोताही पर मुतनब्बे करते हुए अल्लाह तबारक व ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ खुसूसियत वजह दिलाई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था साथियों कि बच्चों से मोहब्बत, बच्चे की ख्वाहिश, बच्चे की चाहत इंसान की फितरत में दाखिल है। आम इंसानों से हट करके अंबिया अलैहिस्सलाम जो लिल्लाहियत के ऊंचे मकाम पर फायद रहा करते हैं उनके दिल में भी वालिदैन की औलाद की ख्वाहिश रहा करती है। कुरान मजीद के अंदर दो नबियों का जिक्र खसूसी तौर पर आया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कि उन लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला से जब इस उम्र को पहुंच गए कि अब बच्चे की उम्मीद नहीं रहती, फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद नहीं हुए और बच्चे की चाहत दिल से कम नहीं हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तबारक व ताला मुझे कोई नेक औलाद अदा फरमा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, हड्डियों में ताकत नहीं रह गई, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश उनके दिल से नहीं गई। लोगों के सामने जिक्र करते शर्माते थे, लोगों के सामने बयान करते शर्माते थे कि हाँ मुझे कोई औलाद मिले, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं हुए और चुपके चुपके से तन्हाई में अल्लाह तबारक व ताला से औलाद के लिए दुआ करते हैं।
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. یہ اللہ کے بندے حضرت زکریہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے, اس وقت کی رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے چھپے رہ کر کے آہستہ آہستہ پکارا. کیا پکارا؟ کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی اولاد عطا فرما, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے ہمارے جو چچے داد بھائی ہیں ان سے خطرہ ہے کہ میرے اس دین کو, میری اس وصیت کو لے کر کے آگے نہیں بڑھ سکیں گے, لہذا کوئی ایسی اولاد عطا فرما جو اس کام کو آگے بڑھائے. اس کا اندازہ ساتھیو, ذرا آپ حدیث پر غور کریں, اولاد کی چاہت اور اولاد کی محبت کا, جو بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو مدینہ منورہ سے باہر کنارے علاقے عوالی میں ایک جگہ رضاعت کی مدت گزار رہے تھے, آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی ہوتے, لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا لہذا حضرت ابراہیم باقی بھی نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ابراہیم بیمار ہے. آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے چند صحابہ تھے جن میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں, حضرت زید ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہیں. آپ کو اطلاع ملتی ہے, آپ اپنے بچے کے لیے پیتا تشریف لے جاتے ہیں, آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی پہنچے. جس وقت آپ پہنچتے ہیں, ذرا بچے کی محبت اور چاہت پر ذرا غور کریں, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں بچہ جانکنی کے عالم میں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اسے اٹھا لیا, دل کانپ گیا, آنکھ میں آنسو آ گئے, نبی رحمت سے رہا نہیں گیا. آپ نے آخر میں وہ جملہ استعمال فرمایا جو ہر اس ماں اور باپ کے لیے اسوہ ہے جس کی اولاد اس کے سامنے اس دنیا سے چلی جائے, اس کے لیے اسوہ ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن, آنکھیں اشکبار ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, دل غمگین ہے, اور میں اپنی زبان سے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا جسے ہمارا رب راضی ہو. اتنا ضرور ہے وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, اتنی بات ضرور ہے کہ اے ابراہیم تمہاری جدائی کا ہمیں بڑا غم ہے, تمہارے رخصت ہونے کا ہمیں بڑا غم ہے, اتنی بات ضرور ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے ساتھیو کہ ہر انسان جب نبی علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام ان کے دل میں اولاد کی چاہت اور محبت ہوتی ہے تھی, تو ہر انسان کے دل میں یہ چاہت اور محبت ضرور ہے. اگر فطرت نے اسے اس فطرت کو مادیت نے مسخ کر کے نہ رکھ دیا ہو تو ہر انسان اولاد کی خواہش اور تمنا کرتا ہے. بلکہ ساتھیو تعجب ہوگا, ابھی شادی ہوئے ہمارے مشرقی علاقے میں, ابھی شادی ہوئے مشکل سے 2 یا 3 سال بھی نہیں گزرتے, 1.5 سال بھی نہیں گزرتے, اگر کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں, اس کے لیے علاج کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں, مولانا سے دعا کرانے کے لیے دوڑنے لگتی ہیں. کتنا دن گزرا ہے, مشکل سے 1 سال یا 2 سال ہی نہیں گزرتی. ماں یعنی ساتھ زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کی گود ہری کیوں نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کے فطرت کے اندر یہ بات رکھا ہے کہ اگر اسے پریشانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, الجھن ہوتی ہے, لیکن اس کے فطرت میں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی اولاد عطا کرے. اور اولاد بھی ساتھیو دنیا کی بڑی اہم زینت ہے, تمام زینتوں میں سے. انسان سارا کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن وہ چاہتا ضرور ہے کہ اس کے گھر میں ایک چہکتی ہوئی چڑیا موجود ہو, ایک گرتا پڑتا بچہ ضرور ہو, مٹی میں لپٹا رہے, تتلی آواز میں بات کرتا رہے, گندگی لگی رہے, کچھ بھی ہو, لیکن اس کی طرف انسان کی چاہت ضرور ہوا کرتی ہے. اور یہ ایسی چاہت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بہتر میں نے سمجھتا کچھ اور ہوگا. صحیح بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
कि आपने हजरत हसनैन से मुतालिक फरमाया हुमा रैहता रैहना रैहता रैहना ताया मिनल जन्ना रैहना ताया मिनल जन्ना मिनल दुनिया, वो दुनिया में मेरे दो फूल हैं। इसलिए कि फूल अगरचे कांटे में क्यों ना हो लेकिन फूल इंसान को अच्छा लगता है। फूल को जिस तरीके से इंसान बड़ी हिफाजत से रखता उसे मसलता नहीं है, ऐसे इंसान बच्चे की बड़ी हिफाजत करता उसे मारता और निचोड़ता नहीं है। जिस तरीके से फूल को इंसान सूंघता है ऐसे बच्चे को इंसान अपने सीने से लगाता और उसे सूंघता और उससे प्यार करता है। तो बच्चा हर इंसान ये चाहता है कि उसके घर में हंसते खेलते बच्चे, बल्कि अजीब कैफियत है कि बसा औकात बच्चे गाली भी देते हैं फिर भी इंसान उसे हंसता और खुश होता है। ये बच्चों की तरह जीनत देखिए इंसान के दिल के अंदर। साथियों इसी तरीके से ये बात हमें समझ लेना चाहिए कि लेकिन इस पर जरा तवज्जो देंगे, हमारे माहौल में और अरब जाहिलियत में भी अगर किसी के घर में औलाद ना होती थी तो उसे बड़ी मनहूस औरत समझते थे, बल्कि अब तो यहां तक है कि औरतें कहती उसे तलाक दे दो, अगर 2 साल हो गए 3 साल हो गए 4 साल हो गए शादी ना हुई और शादी हुई अगर बेटी हुई तो सास क्या कहती है, मां क्या कहती है, उसे तलाक दे दो। यह समझा जाता है कि यह मनहूस है। और अगर ऐसी औरत है कि उसका बच्चा पैदा हुआ इंतकाल कर गया, दूसरा बच्चा पैदा हुआ इंतकाल कर गया, तीसरा बच्चा पैदा हुआ इंतकाल कर गया, तब तो समझते हैं कि इससे मनहूस औरत और घर में कोई नहीं है। लेकिन क्या यह हकीकत है? शरई नुक्ते नजर से यह तस्वूर सही है या गलत है? शरई नुक्ते नजर से यह तस्वूर बिल्कुल गलत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु की रवायत सही मुस्लिम शरीफ में है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी किताब अल मुफ़रद में नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में दुम बुरीदा जिसका आगे पीछे कोई न हो वो कौन शख्स है? सहाबे इकराम ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम रकूब उस शख्स को समझते हैं जिसकी कोई औलाद जिंदा नहीं रहती है। आपने फरमाया मेरी उम्मत का रकूब वो शख्स नहीं है, मेरी उम्मत का ला वलद वो शख्स नहीं है, मेरी उम्मत के आगे पीछे जिसका कोई ना हो वो शख्स नहीं है, मेरी उम्मत का रकूब वो शख्स है कि जिसकी जिंदगी में उसकी कोई औलाद बचपन में फौत नहीं हो जाती है, मेरी उम्मत का। इसीलिए साथियों ये वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने ये बात रखूं कि नफा और नुकसान का जो शरई मेयार है वो दुनिया के मेयार से कतार मुख्तलिफ है। जो अल्लाह ताला नफा और नुकसान का मेयार रखा है दुनिया के मेयार से कतार मुख्तलिफ है। एक शख्स है मिसाल के तौर पर, उसका बेटा बड़ा हुआ, इकलौता बेटा है, जवान हुआ, पढ़ लिख करके नौकरी करने के लायक हुआ, उसे नौकरी भी मिल गई, अगर अचानक उसका इंतकाल हो जाए तो लोग क्या कहेंगे उसे? बड़ा बिचका, बाप की किस्मत फूट गई है। हालांकि मैं ये कहता हूं बाप की किस्मत जाग गई है, बाप की किस्मत फूटी नहीं है, बाप की किस्मत जाग गई है। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही इब्न हिब्बान में है, हजरत अबू सलमा आपके चरवाहे बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बखिल बखिल लखमसिन मा अथकलहुन फिल मीजान, बखिल बखिल लखमसिन मा अथकलहुन फिल मीजान, क्या ही खूब हैं ये 5 चीजें और कयामत के दिन तराजू में कितनी वजनी और कितनी भारी होंगी। ये 5 चीजें तराजू में कयामत के दिन बहुत भारी होंगी। वो क्या चीज है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और 5वीं चीज क्या है साथियों? 5वीं चीज क्या है? औवलदुन सालिहुन यमूतु फयहतसिबहु, या किसी की नेक औलाद इंतकाल कर जाए और उस पर वो सब्र से काम ले ले, ये भी कयामत के दिन बड़ी भारी चीज होगी। तो शरीयत का जो मेयार नफा और नुकसान फायदे का है, सआदत मंदी और बदबख्ती का है, वो दुनिया के मेयार से कतान मुख्तलिफ है। एक मुसलमान को कौन सा मेयार देखना चाहिए, दुनिया का कि शरीयत का? साथियों जी, और यही आपने कहा कि मेरी उम्मत का रकूब वो शख्स है जिसकी कोई औलाद बचपन में इस दुनिया से चली नहीं जाती है। साथियों लेकिन जैसा कि भी शेख ने इशारा किया कि यही औलाद दुनिया और आखिरत में
जो दुनिया में हमारे लिए जीनत है, जिसके लिए हम दुआएं करते रहते हैं, जिसके लिए हम दवाएं करते रहते हैं, जिसकी हम तमन्ना रखते हैं, यही औलाद दुनिया और आखिरत में हमारे लिए बदबख्ती का सबब भी बनती है और नेकबख्ती का सबब बनती है। कितने ऐसे बाप हैं, आपने भी देखा होगा कि वो तमन्ना करते हैं काश के बच्चा बचपन ही मर गया होता है, वैसा ही नहीं। कितने ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं, वो सोचते होंगे काश के मुझे मालूम रहा होता तो बचपन ही में इसका गला घोंट दिया होता, ताकि आज मुझे तकलीफ और परेशानी न लाहिक होती। और यही बच्चे सिर्फ दुनिया ही में नहीं, आखिरत में भी हमारे और आपके लिए क्या बनेंगे, बला का सबब बनेंगे। मैं उस तफसील तरफ नहीं जाना चाहता। और यही बच्चे दुनिया और आखिरत में हमारे और आपके लिए नेक बख्ती का सबब ही बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस चीज को बड़े वाज़ह तौर पर बयान किया और हमें और आपको मुतरब्बे किया है। वो सूरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन उमूमी तौर पर पढ़ा करते थे, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल क्यों? वमन यफअल ज़ालिका फऊलाइका हुमुल खासिरून, जिसने ऐसा किया हकीकी खसारे और घाटे वाले यही लोग हैं। और इसके फौरन बाद वाली सूरत में, फौरन बाद वाली सूरत में आखिरी रुकू में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, जी क्या है उसके बाद, अदुवल लकुम, इन्न मिन अमवालिकुम व औलादिकुम अदुवल लकुम फहज़रूहुम, तुम्हारी बाद बीवियां और तुम्हारे बाद बेटे तुम्हारे लिए तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम अगरचे उनको दोस्त समझ रहे हो, तुम अगरचे अपना मुहसिन समझ रहे हो, हराम कमाता है और आपको हराम खिलाता है, नमाज नहीं पढ़ता और आप उससे खुश हैं, लेकिन पैसा कमा के नहीं देता तो आप उससे नाराज हैं। आप अगरचे उसे अपना मुहसिन समझ रहे हैं लेकिन वो आपका दुश्मन है। इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुवल लकुम, तुम्हारी बाद बीवियां और तुम्हारे बाद औलाद तुम्हारे दुश्मन है, फहज़रूहुम, तुम उनसे बचते रहो। आपको भी ताज्जुब होगा कि कैसे दुश्मन है। अगर इसका सबब नुज़ूल आपको मालूम हो जाए तो हकीकत बहुत खुल करके सामने आ जाएगी, और बहुत सी लोगों के आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है या सफेद चश्मे के बजाय काला चश्मा लगा हुआ है वो रोशन हो जाए। इमाम तिर्मिदी रहमहुल्लाह, इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बसनद सही नकल फरमाते हैं कि उनसे लोगों ने पूछा, एक शख्स ने पूछा कि हमारी बाद बीवियां और हमारी बाद औलाद हमारे लिए दुश्मन है, ये क्या माना, वो कैसे हमारे लिए दुश्मन बनेगी? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है। साथियों मैं तवज्जो चाहूंगा, तुम्हें मालूम नहीं है? कहा इसलिए कि मक्के में कुछ लोग मुसलमान तो हो गए थे, इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन जब हिजरत का मामला आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनोरा हिजरत करके चले आए, जब वो भी हिजरत करना चाहे तो उनकी बीवी रोने लगी, हमें कहाँ छोड़ करके जाओगे, बच्चा रोने लगा, हमें अभी तो छोटे हैं, हमें किसके हवाले करोगे? अरे भाई तौहीद पर कायम रहना है, यहीं पर रहकर कायम हो जाओ। देखो फला ने भी हिजरत नहीं की, फला ने भी हिजरत नहीं की, फला भी नहीं गया, आखिर हम मर जाएंगे बगैर खाए पिए, हमारे इलाज का मसला है, खाने का है, आजकल हमारी पढ़ाई का है, नौकरी ना छोड़िए यार, हराम कमाइए तो उसको ना छोड़िए, सारी दुनिया ऐसा काम कर रही है। हिजरत नहीं किया, हिजरत करके नहीं आए। लेकिन जब मक्का फतह होने के करीब हुआ और मक्का फतह हो गया, चूंकि दिल में ईमान था लिहाजा हिजरत करके आए, तो क्या देखते हैं कि फला आदमी जो मेरा साथी है और हमसे ज्यादा ज़हीन नहीं था,
फला हमारे साथ जो बैठता था हमसे तेज नहीं था, फला जो हमारे साथ था हमारे मुकाबले में कभी आधा नहीं था। आज अल्लाह के रसूल के पास उनका ज्यादा मकाम हो गया, उसने ऊंचा मकाम हासिल कर लिया, दीन की ज्यादा तालीम हासिल कर ली है। तो इस पर बड़े गुस्सा हुए और घर जाकर के सबसे पहला काम यह किया कि बीवी बच्चों की ठोकाई करना शुरू कर दिया, बीवी बच्चों से बदला लेना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उस वक्त यह आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुवल लकुम फहज़रूहुम व इन तअफू व तस्फहू व तग़फिरू फइन्नल्लाहा ग़फूरुर रहीम। अब मारने से कोई फायदा नहीं है, अब वो चीज वापस की अवस्था आ जाएगी मारने से, इल्म वापस आ जाएगा मारने से नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल की वो सोहबत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद हैं, वो सहाबी जो पहले इस्लाम कबूल किए आते हैं और खड़े रह गए सामने, आगे पीछे खड़े रह गए, उनके लिए सामने जगह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह चीज अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी है, उस पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस फफस्सहू यफस्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील इंशुदू फंशुदू। अगर तुमसे कहा जाए जगह दे दो तो जगह दे दो, और अगर तुमसे कहा जाए उठ जाओ तो क्यों, यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वो तुमसे पहले ईमान ले आए, तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, लिहाजा अल्लाह के रसूल के कुर्ब के वो तुमसे ज्यादा हकदार भी। तो इस पर अल्लाह ताला फरमाए कि अब मारने से कोई फायदा नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब गुस्से से नहीं हासिल होगा, मारने से हासिल नहीं होगा, माफी मांगो, अल्लाह ताला से अफ की दरगुजर करने की गुजारिश करो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। तो अर्ज करने का मकसद है साथियों, इससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि नबी करीम की औलाद हमारे लिए बाइस दरर और नुकसान देह कैसे बन सकती है, और इसी तरीके से औलाद हमारे लिए मुफीद भी हो सकती है, फायदेमंद भी हो सकती है, हमारे लिए सआदत का सबब भी बन सकती है। एक सहाबी है अबू हसन, सही मुस्लिम में मुसनद अहमद में है, सहाबी हजरत अबू हसन हैं। उनके साथियों मैं आम तौर पर वही हदीस चुन चुन करके जिक्र करूंगा, हालांकि चीज़ें कई एक हैं लेकिन जाहिर बात उसके लिए वक्त चाहिए जो हमारे और आपके आम हालात के मुआफिक हों। एक सहाबी अबू हसन आते हैं, उनके दो बच्चों का इंतकाल हो गया था लगातार, जाहिर बात है साथियों ये ऐसा दर्द है जिसे बयान नहीं किया जा सकता है, वही शख्स जानता है जिसके ऊपर ये चीज पड़ चुकी है। कह देना सब्र करो कह देना आसान होता है, लेकिन अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। एक साहब हमारे शहर से मेरे बड़े करीब गए उमरा करने के लिए, मैं औलाद की इस पर बताता हूं कि कह देना आसान होता है लेकिन अमल करना क्या होता है, और जिसके ऊपर पड़ती है वही इसको जानता है। वो उमरा करने के लिए गए, दूसरे को क्यों कहूं साथियों, मेरा ही किस्सा है, दूसरे का नहीं मेरा ही वाक्य। उमरा करने के लिए गए, मेरा बच्चा सलमान तकरीबन 4 या 5 साल की उम्र का था, वो बड़ा चंचल था बचपन, तवाफ करने लगे बार, बल्कि एक बार खाली साहब बड़े गुस्सा हुए, उसको जानते हैं बड़े जज्बाती हमारे भाई खाली साहब, बहुत जल्दी उनका हाथ उठता है और गुस्से हुए उसको मारे भी, लेकिन वो तवाफ करता रहे सही करते रहे, इधर से उधर कभी उधर से उधर उधर से गायब हो जाए। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग सही कर रहे थे और अल्लाह की मसलहत अल्लाह का फ़ज़ल है कि मेरे बच्चों में ज़्यादा फासला नहीं है, 1.5 साल का 1.25 साल का, जबकि इस वक्त दुनिया का डॉक्टर उसे कबूल नहीं करता है ना, लेकिन अल्लाह की ये देन है। तो बच्चा जाहिर बात दो एक को हमने लिया और वो अपनी वालदा के साथ वो कहीं गायब हो गया। अब सही करते करते जाहिर बात वो दो एक बच्चों के लिए हम दोनों बिछड़ गए। कुछ देर के बाद मुलाकात होती है तो हमने पूछा सलमान कहाँ है, तो कहती है पता नहीं वो कहाँ गायब है। अब हम लोगों का उम्र ख़त्म हुआ, अभी बाल नहीं कटाया और उसको ढूंढना शुरू कर दिया, आधा घंटा गुजर गया, हरम बहुत बड़ा है कहाँ मिले बच्चा, वो भी रात का आखिरी वक्त है, सफ़र करके थके हुए थे। मैं उधर गया थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ कि बच्चों की वालदा
का दुपट्टा यहां तक आया हुआ है, जबकि जिंदगी में शायद घर में भी उसका ऐसा, अपने महरम के सामने भी ऐसा ना रहा हो, यकीनी बातें ना रहा हो, लेकिन यहां आया हुआ है। दोनों आंख से आंसू बह रहे हैं, अपने आगे पीछे के कुछ भी होश नहीं है। अरे अल्लाह की बंदी, तूने ये क्या किया, ये क्या, सलमान नहीं मिल रहा है। अरे सलमान नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आदमी, बच्चों का दर्द ऐसा होता है, मोहब्बत ऐसी होती है, खास जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, कि उसे साथियों बयान नहीं किया जा सकता। वो वही शख्स जानता है जिसके ऊपर ये चीज पड़ी रहती है, जिसके ऊपर ये गुजरती है। तो हजरत अबू हसन रहमहुल्लाह हजरत अबू हुरैरा की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे गुजर गए, क्या आप मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस सुनाएंगे इससे मेरे दिल को कुछ तसल्ली हो, मेरे दिल को कुछ सुकून मिले। साथियों ये ईमान की निशानी है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को क्या, ये ईमान की निशानी है। अगर दिलों को सुकून अल्लाह के रसूल के हदीसों को सुन करके ना मिले, पुराने मजीद की आयात को पढ़ करके ना मिले, तो इसका मतलब क्या है, हमारा दिल बड़ा सख्त हो गया है जिसे पिघलाने की जरूरत है, हमारा दिल बहुत ही बिगड़ गया है, बीमार है, जिसके इलाज की जरूरत है। तो कहा आप हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस ना सुनाएंगे जिससे हमारे दिल को थोड़ा सा सुकून हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ हमने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, छोटे छोटे बच्चे जो मर जाते हैं वो जन्नत के कीड़े हैं। दामीस जानते हैं ना, जो आदमी दरिया के किनारे रहता हो वो देखता होगा कि दरिया में ऊपर छोटे छोटे से कीड़े काले रंग के तैरते रहते हैं, वो भंवर की भंवरा नहीं होता, नहीं उससे भंवरा ही होता है उसका कहते हैं, छोटे रहते हैं, वो जिधर दरिया का रुख है उधर भी आसानी से बह जाते हैं, और जिधर रुख नहीं उधर भी आसानी से चलना शुरू कर देते हैं, दाएं भी आगे भी, यानी उन्हें दरिया में चलने की कोई रुकावट नहीं रहा करती है। ऐसे वो बच्चे जो बचपन में मर गए हैं, जन्नत में इधर उधर आने जाने से कोई उनको ममानियत नहीं है, इसलिए आपने तशबीह दामीस अहलिल जन्ना। तो कहा हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिगी में इंतकाल कर जा रहे हैं वो जन्नत के कीड़े हैं, और जब हश्र का मैदान होगा, लोगों का फैसला होगा, वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक का दामन पकड़ करके उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि उन्हें जन्नत में नहीं दाखिल कर लेंगे। तो कहा कि हाँ हमें इससे तो सुकून मिल गया। साथियों आपने सुनन तिर्मिदी की वो हदीस नहीं सुनी है, हज़रत अबू मूसा अशअरी से मरवी है, बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी इंसान के बच्चे का इंतकाल हो जाता है और फरिश्ते उसकी रूह को लेकर के जाते हैं, तो अल्लाह ताला सवाल करता है, तूने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली? फरिश्ते कहते हैं हाँ। अल्लाह ताला फिर पूछता है, तुमने उसके दिल के टुकड़े को छीन लिया, तुमने उसके दिल के टुकड़े को छीन लिया? फरिश्ते कहते हैं हाँ। तो अल्लाह ताला पूछता है कि आखिर मेरे बंदे ने कहा क्या, उसका तसर्रुफ क्या रहा है? कहते हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व ताला, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हर हाल में अल्लाह ही का शुक्र है, बेटा दिया अल्लाह का दिया हुआ था, ले लिया उसी का दिया हुआ था, दिया तो अल्लाह की रहमत थी, ले लिया तो अल्लाह ताला का अदल है, और हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही तरफ हम वापस जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बेटे, मेरे बंदे का जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो। साथियों ये बताओ कि दुनिया में एक बेटे का होना अफजल है कि जन्नत में एक घर का मिल जाना अफजल है? जी लेकिन अभी कोई कहा जाए कि बेटे के साथ रहोगे कि बॉम्बे में एक फ्लैट मिलेगा तो इसको कबूल करेंगे? जी
तो जब बॉम्बे के फ्लैट को आप बच्चे पर तरजीह दे देंगे तो जन्नत के फ्लैट को क्यों नहीं तरजीह देंगे आप, जबकि जन्नत और बॉम्बे में कोई मुनासबत है साथियों जी? कोई मुनासबत नहीं है। तो अर्ज करने का मकसद साथियों, बात लंबी होती जा रही है कि बच्चे इस दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए रहमत भी बन सकते हैं, और लेकिन कब, ये असल मौजू की तरफ आया। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, इतनी लम्हीद तमहीद जो माधी वो असल मौजू पर अब आ रहे हैं, वो क्यों, कब होगा, ऐसा कब होगा जब हम बच्चे के बारे में अपने उसके हुकूक हमारे ऊपर जो है हम उसको अदा करेंगे तब। और बच्चे के हुकूक में से एक बड़ा हक क्या है, बच्चों की तरबियत भी है। बच्चों के बहुत सारे हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक में से एक हक क्या है, बच्चों की तरबियत भी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुल ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम की आग जिसके ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं, और ये कोई ना समझे कि अपनी ताकत से, अपनी सिफारिश से, अपने रो करके वहां पर उस जहन्नम की आग से छूट जाएगा। नहीं, क्यों? इसलिए कि उस पर ऐसे फरिश्ते मुतायन हैं, गिलाजुन जो बड़े ताकतवर, बड़े सख्त दिल हैं, शिदादुन बड़े ताकतवर हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला की नाफरमानी कतान नहीं करते, वयफअलून मा युमरून, और जिस चीज का हुक्म होता है फौरन उस पर अमल कर लेते हैं। साथियों, ये आयत असल है बच्चों की तरबियत के वजूब पर, कि बच्चों की तरबियत वालिदैन पर क्या है, वाजिब है। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत कतादा और मुजाहिद जैसे तमाम मुफस्सरीन, चाहे सहाबा में से हो, ताबईन में से हो, वो इस आयत की तफसीर में लिखते हैं जिसका खुलासा यह है, खुद अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करो, अल्लाह ताला की मना की हुई चीजों से रुक जाओ, बच्चों को उसकी तरबियत दो, बच्चे अगर गलती करते हैं उस पर उनको मुतनब्बे करो, उनको मारो। अगर इस तरीके से तुमने कर लिया तो अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से तुमने बचा लिया है। तो बच्चों की तरबियत साथियों, ये हम में से हर शख्स के ऊपर क्या है, वाजिब है। बल्कि मैं एक बार सोचने लगा, मुस्नद अहमद की रवायत है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी किताब अदबुल मुफरद में नकल फरमाते हैं कि हजरत मुआद इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 9 चीजों की वसीयत की है। कितनी चीजों की? 9 चीजों की। जाहिर बात, जिसकी वसीयत की जाए वो बड़ी अहम हुआ करती है। साथियों, उन 9 में से 3 चीजें गोया एक तिहाई हिस्सा अहलो अयाल की तरबियत से मुताल्लिक है, उनके हुकूक से मुताल्लिक है। कभी आपने गौर किया, बार बार यह हदीस पढ़ी और सुनी होगी, उसका 1/3 हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा किससे मुताल्लिक है? वालिदैन की, वालिदैन के ऊपर औलाद की तरबियत और उनके हुकूक से मुताल्लिक है। चुनांचे पूरी हदीस ना सुना करके उस हदीस के आखिर में जो है वो आपके सामने रखता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने अहलो अयाल और बच्चों पर अपनी उसात और ताकत के मुताबिक खर्च करो, ना बखालत से काम लो और ना ही फजूल खर्ची से काम लो। बखालत से काम लोगे तो वो खुद तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, और फजूल खर्ची से काम लोगे तो तुम्हें उनके लिए चोरी करना और धोखा देना पड़ेगा। लिहाजा तुम्हारी जो वसात है, अल्लाह ने वसात दी है, अच्छी तरीके से खर्च करो। अल्लाह ने अगर तंगी दी है तो अपनी इस्तेआत के मुताबिक उनके ऊपर खर्च करो। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये बयान फरमाई कि लड़छड़ी
ऐसी जगह पर लटकाए रहो जहां उनकी नजर पड़े कि हाँ अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमारी ही पीठ पर पड़ने वाली है। ये छड़ी को ऐसी जगह पर लटका के रखो जहां पर वो उसको आखिर है ना औलाद से मुतालिक। और तीसरी चीज का बयान फरमाई वह अखिफ हुम फिल्ला, उनके अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह ताला का तकवा पैदा करो। तो अर्ज करने का मकसद यह है साथियों कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे और आपके ऊपर औलाद की तरबियत वाजिब कर दी है, लेकिन अब सवाल यह है साथियों आमदम बरसरे मतलब कि औलाद की तरबियत हम और आप कैसे करें। और यकीन माने ये इतना अहम वाजिब है, इतना अहम वाजिब है कि इसके तर्क करने वाले को मुनाफिक कहा गया है। इस वाजिब को तर्क करने वाले को क्या कहा गया है? मुनाफिक कहा गया। वो कहां? कोई बताएगा? कोई बताएगा? हालांकि मैं अभी कहूंगा तो सारे लोग कहेंगे हां मुझे भी मालूम है यह हदीस। किसी को मालूम है वह हदीस? अल्लाह के बंदे सही बुखारी और मुस्लिम के हदीस अब्दुल्लाह इब्ने अमर की, आपने क्या बयान फरमाया? अरबाउन मन कान फीही काना मुनाफिकन खालिसा, है ना शेख? खालिसा, खालिसा है ना। जो चार सिफात जिसके अंदर पाई गई वो पक्का मुनाफिक होगा। है बात सही कि नहीं सही? सुना है ना हदीस? उसमें पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है जी? जब अमानत उसके पास रखी जाए तो उसमें खयानत करे। तो ये औलाद हमारे और आपके पास अल्लाह की अमानत है कि नहीं अमानत है बताइए आप? लेकिन लोग इस पर तवज्जो नहीं देते, सिर्फ एक ही अमानत जानते हैं बस, पैसे और चीज की अमानत रखी हुई। तो हालांकि ये बहुत बड़ी अमानत है, ये बहुत बड़ी अमानत है। औलाद अल्लाह की हमारे और पास अमानत है, ये नेमत है। इनकी सही तरबियत ना करना, इनको अल्लाह के सही अल्लाह की दी हुई बताई हुई सही तालीम ना देना, ये सबसे बड़ी खयानत है साथियों। इसीलिए सही बुखारी शरीफ में हजरत माकिब ने इसार की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह ने अगर किसी के जिम्मे कोई चीज लगाई है और उसमें उसका हक नहीं अदा करता, खयानत करता है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दे रहा है। तो औलाद की तरबियत हमारे और आपके ऊपर वाजिब है, लेकिन अब सवाल यह है कि यह तरबियत हो कैसे। दो बातें साथियों मैं रखूंगा, तवज्जो देंगे। पहली चीज यह है कि तरबियत ये कैसे हो, और दूसरी चीज यह है कि तरबियत किन चीजों पर की जाए। और अगर वक्त रहा तो आपके सामने इख्तसार साथ यह बात रखूंगा कि तरबियत के मामलात में हमसे गलती कहां कहां होती है। इसलिए कि बहुत से लोग समझते नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। तो पहली चीज यह है कि तरबियत हो कैसे। साथियों उलमाए तरबियत इस तरह मुत्तफक अलैह है कि तरबियत का सबसे पहला जीना क्या है? बीवी का इंतखाब है सबसे पहला जीना, और औरत के लिए शौहर का इंतखाब है, मर्द के लिए किसका इंतखाब है? इसलिए कि औलाद सिर्फ मर्द की नहीं होती है, बीवी की भी होती है कि नहीं? बल्कि औरतें तो ज्यादा दावा करती हैं, औरतें तो ज्यादा दावा करती हैं कि हाँ भाई मेरा बेटा है। तो औलाद एक की नहीं होती, दोनों की होती है। तो शौहर के लिए यह है कि औलाद के लिए बेहतर बीवी का इंतखाब करे, और बीवी और उसके वली के लिए क्या है? बेहतर शौहर का इंतखाब करे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस बार बार आप सुनते आए होंगे कि औरतों से चार चीजें देकर शादी की जाती है ना? बार बार सुना है ना? आखिर में आपने क्या बयान फरमाया? फर्द फर बेदातिद्दीन, दीनदार औरत से शादी करो। और साथियों मैं अगर अपने मुशाहिदे की चीजें पेश करता चलूं तो एक नहीं कितनी मिसालें पेश करता हूं कि अगर बीवी अच्छी होनहार थी तो उसके बेटे खुसूसन बेटियां भी होनहार निकली हैं, और अगर बीवी नालायक थी, जानिया थी, तो उसकी बेटी भी उसी रास्ते पर चल पड़ती। साथियों ऐसे ही अगर शौहर नालायक निकलता है
तो बेटा भी उसकी तकलीफ करता है। लिहाजा इन दोनों चीजों पर मर्दों को भी और लड़कियों और उनके औलिया पर भी वाजिब है कि शादी से पहले पहले इन दोनों चीजों को जरूर देखें। पहली चीज मर्द ये देखें कि वो औरत कैसी है, नेक और साले, कहीं बच्चलन तो नहीं है या है, उसकी इस्लाह हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और लड़की के औलिया और लड़की क्या देखें, आया ये लड़का सिर्फ यही नहीं कि नौकरी देख लिया, सिर्फ यही नहीं कि पैसा देख लिया। और हमारा माशरा साथियों इतना गंदा हो चुका है कि अगर कोई लड़की किसी मर्द से छुप करके बात करती देख ली, पकड़ी गई, तो उसके ऊपर निशान लग जाता, उससे कोई शादी करना नहीं चाहता। और लड़का चाहे जितनों से अपनी नजर मिलाता रहे, उसको कोई बुरा नहीं समझता, है ना? उल्टा जैसा गुनाह लड़की के लिए वैसे लड़के के लिए भी तो है ना। आप उसको बुरा क्यों समझते, इसको क्यों नहीं बुरा समझते? बल्कि ये नालायक ज्यादा है। क्यों? उमूमी तौर पर औरतें शर्मीली हुआ करती हैं, जज्बात में कौन ले आते हैं उसे, लड़के और, बल्कि अब तो अच्छे अच्छे तरीके जानते हैं कैसे लड़कियों को फंसाया जाए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मोबाइल के जरिए मैसेज भेज करके ऐसे किस तरीके से, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वल्ला ऐसे लोग तो सूली पर लटका देने के लायक, जो माशरे को बर्बाद कर रहे हैं। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि लड़कियों और उनके वली से भी अल्लाह के रसूल ने क्या बयान फरमाया, सुनन तिर्मिजी की रवायत है, इदा अताकुम मन तरदौना खुलुकहु व दीनहु, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स आए जो अपने अखलाक के लिहाज से और दीन के लिहाज से, सिर्फ दीन ही नहीं अखलाक भी दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो अपने अखलाक के लिहाज से और दीन के लिहाज से पसंदीदा है, तो उससे शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं किया, तुमने माल देखा, तुमने अच्छी नौकरी देखी, आला खानदान देखा, अपनी पसंद और अपनी चॉइस देखी, तो उसका नतीजा क्या होगा, फसादुन फिल अर्द, फसादुन कबीर अरिज, तो उसमें दुनिया बड़ा फसाद पैदा होगा। तो पहला मरहला क्या है साथियों, कि अपने औलाद के लिए बेहतरीन जोड़ा तलाश किया जाए। दूसरी चीज यह है साथियों, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला एक सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके वालिद अब्दुल्ला इब्न हराम का इंतकाल हो, शहीद हो गए थे ग़ज़वे उहद में, तो इनके कई बहनें थीं, अपनी बहनों, छोटी छोटी बहनें थीं, अपनी बहनों की तरबियत के लिए उन्होंने किसी बेवा औरत से शादी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक बार हुई तो कहा, जाबिर तुमने शादी नहीं किया? कहा, या रसूल कर लिया है शादी। कहा, किससे किया है? किसी बेवा से या दोशीजा थे? कहा, बेवा औरत से। कहा, तुमने दोशीजा शादी क्यों नहीं की? खैर लंबा किस्सा है। उसके बाद आखिर में आपने क्या बयान फरमाया, अलकईस अलकईस, जरा देखो, समझ से काम लो, समझ से काम लो। बाद शुरह हदीस ने लिखा है कि इससे यह कहा कि देखो, जुर्रियत और नेक सालेह जुर्रियत का कसद और इरादा रखो अपनी शादी से। इसीलिए शादी के बाद ही से यह नुक्ता आम तौर पर भूला हुआ है साथियों, कि शादी के बाद ही से इंसान को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे नेक ज़ुर्रियत अता फरमाए। सिर्फ ज़ुर्रियत नहीं, सिर्फ औलाद नहीं, क्या अता करे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह ताला मुझे सालिह औलाद अता फरमा, मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह ताला अपने पास से पाक ज़ुर्रियत, नेक और अच्छी ज़ुर्रियत अता फरमा। इसकी दुआ हमें और आपको करना चाहिए, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और उसके बाद जाहिर बात दुआ का वो भी मरहला होता है जो मियाँ बीवी के मिलाप का होता है, मैं उसका जिक्र नहीं करता। और बच्चों की पैदाइश के बाद एक नुक्ता साथियों बड़ा अहम है, और बहुत से लोग जो ऊँचे और चोटी के मकाम पर पहुँचे हैं, उनके पीछे उनके वालिदैन की दुआ बचपन ही से जरूर रही है। उनके बड़े होने में उनके पीछे उनके वालिदैन की दुआ क्या है, जरूर रही है। लिहाजा बच्चे की पैदाइश या हमल ठहरने के बाद ही से वालिदैन को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, और हमारी औलाद को बुराई से, बेहयाई से, शिर्क से महफूज रख, और तौहीद पर उसे
कामिल। और अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनों को, अंबिया की दुआएं तो है ही, मोमिनों को भी ये दुआ सिखाई है। और मैं अपने उन भाइयों से कहता हूं जो अमूमन 40 साल से ऊपर के हो गए हैं कि वो दुआ करना ना भूलें। कुरान मजीद में उसका जिक्र है मौलाना, है ना? कहां पर है? कहां पर है कुरान मजीद उसका जिक्र है जी? है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है मोमिनों को जी, ज़करिया की दुआ है मोमिनीन को अल्लाह ने सिखाई है। हत्ता इदा, हाँ, हत्ता इदा बलग अशुद्दहु व बलग अरबईन सनतन काला जी काला रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैय व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तरदाहु। उसके बाद क्या है? व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, वह असलह ली फी दुर्नियती। तो औलाद के लिए साथियों दुआ ये बड़ी अहम चीज है, और औलाद के लिए बददुआ करना ये बहुत बुरी चीज है। औलाद के लिए दुआ करना बड़ी अहम चीज है और औलाद के लिए बददुआ करना बड़ी बुरी चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन किस्म के ऐसे लोग हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। ऐ बाप, ऐ माँ, तू इससे कहाँ गाफिल है? आया रात के आखिर में उठ करके जिसकी लड़की बागी हो गई है, जिसका लड़का बागी हो गया है, जिसके लड़के ने पढ़ाई छोड़ दिया है, जिसका लड़का उसकी बात नहीं मानता, जिसकी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, जिसका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, जो खुद तो हिदायत के रास्ते पर आया लेकिन बेटे और बेटियां गुमराह हैं, वो इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को क्यों भूला हुआ है, क्यों छोड़ा हुआ है? अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाया? सलासु दावातिल मुस्तजाबातुन ला शक फीहिन्ना, तीन दुआएं ऐसी हैं जिसके मकबूल होने में कोई शुबा नहीं है। जरा देखें ताकीद, सलासु दावातिन मुस्तजाबातिन ला शक फीहिन्ना, उनके मकबूल होने में कोई शुबा नहीं है। वो कौन सी दुआएं हैं? पहली दुआ है दावतुल वालिद, वालिद की दुआ जो अपने बच्चे के लिए करे, वालिद की दुआ जो अपने बच्चे के लिए करे। तो साथियों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बहुत से लोग जो बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंचे उनके पीछे उनके वालिदैन की दुआएं जरूर रही हैं। उसके बाद औलाद की तरबियत में साथियों जिस चीज की बड़ी अहमियत है वो हलाल रोजी है। साथियों, अब तो तहकीक से ये बात साबित हो गई है कि इंसान जिस चीज को खाता नहीं बल्कि देखता है उसका असर भी जनीन और बच्चे के ऊपर पड़ता है। जरा सोचें, जिस चीज को देखता और गौर करता रहता है उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। चे जाए कि वो चीज खाई जाए, जानते इंसान के अपने जिस्म का खुद आप देखें, ये असर यह है कि अगर बाप बसा औकात अपाहिज होता है तो उसकी औलाद पर भी उसका असर है। बस सही कि नहीं सही? तो खाने का असर क्यों नहीं होगा साथियों, है कि नहीं? तो रोजी का असर बहुत पड़ता है बच्चे के मुस्तकबल की जिंदगी पर। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि पाक रोजी का एहतमाम किया जाए और अपने औलाद को। सलफ का साथियों तरीका यह रहा है, बाद ताबईन के बारे में आता है कि जब बाहर निकलते थे तो उनकी बीवी उनसे कहा करती थी कि देखो तुम हमारे निगरा और जिम्मेदार हो, कोई ऐसी रोजी ना लेकर के आना जिसके अंदर कोई शुबा हो। साथियों, हराम और मुश्तबह चीज से बचने के इस दुनिया में क्या नताइज निकलते हैं। काश के वक्त होता तो मैं इमाम तबरी रहमतुल्लाह के एक वाक्या सुनाता, मैं अपना मौजू पूरा करता हूं। अगर वक्त रहा तो उस चीज का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। हम आते हैं इस मौजू पर कि साथियों तरबियत किस चीज पर की जाए, किस चीज पर की जाए तरबियत। यह बड़ा अहम नुकता है और लोग इस सिलसिले में बड़े कोताह नजर आते हैं। देखिए, दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है,
दीन में अकायद भी हैं, इबादात भी हैं और अखलाक और मुआमलात भी हैं। बच्चों की तरबियत इन तीनों पर होना चाहिए, अकायद पर भी होनी चाहिए और इबादात पर भी। और ये अहादीस से दलील मौजूद है, इस पर अहादीसों से आयात से दलील मौजूद है, अकायद पर भी होनी चाहिए, इबादात पर भी होनी चाहिए और किस पर? अखलाक और मामलात पर। अच्छे अखलाक, बहुत से बेटे चोरी की जो आदत पड़ती है वो कब पड़ती है? जब घर से चोरी करते हैं, उनकी सही तरबियत नहीं होती। इराक के एक बहुत मशहूर लिखने वाले हैं महमूद शीश खत्ताब, उन्होंने एक वाकया लिखा है कि एक चोर का जब हाथ काटने का फैसला किया कोर्ट ने, तो उसने कहा सबसे पहले मेरी माँ का हाथ काटना चाहिए, सबसे पहले मेरी माँ का हाथ काटना चाहिए। क्यों? कहा इसलिए कि पड़ोसी के घर से पहली बार जब मैं अंडा चुरा करके लेकर के आया था तो मेरी माँ उस पर बहुत खुश हुई थी, मुझे मना नहीं किया था। अरे बच्चा ही तो है, छोटा सा है, एक अंडे से क्या होता है। और ऐसे ही बुनियाद पड़ती है चोरी। साथियों, आपके जेब ही से आपके इजाजत के बगैर बच्चा कोई चीज क्यों ना निकाले, उस पर भी बच्चे की सरदरिश होनी चाहिए। क्यों? आज आपके जेब से निकाल रहा है, कल दूसरे के, परसों तीसरे से। आज एक रुपया निकाल रहा है, कल 100 निकालेगा और परसों 1000 निकालेगा, यहां तक उसकी चोरी की आदत पड़ जाएगी। तो बच्चों की तरबियत जो होनी चाहिए वो किस पर? अकीदे पर भी होनी चाहिए, इबादात पर भी होनी चाहिए और अखलाक और मामलात पर भी होनी चाहिए। अगर आप अंबिया की सीरतें देखें, साथियों मैं समझाता कि वक्त बहुत ज्यादा है लेकिन वक्त तेजी से गुजर जा रहा है, अंबिया की अगर सीरतें देखें आप, तो अकायद के ऊपर अंबिया ने खसूसी तवज्जो दी अपने बच्चों की तरबियत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक्या, पिछले अंबिया का जिक्र छोड़ दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक्या, ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, आपके बेटे की तरह थे कि नहीं थे वो? आपने पालक बना लिया था ना मौलाना जी। वो बयान करते हैं, साद तबकात इब्ने साद में है कि मैं एक बार आप तवाफ कर रहा था, मैं आपके साथ तवाफ कर रहा था, तो एक बुत था। आज हमारे जो पहले बुजुर्ग मदीना मुरा मक्का मुकर्रमा गए हैं वो जानते होंगे कि जमजम का कुआं किस जगह पर था, कितना करीब था। आज तो उसको बिल्कुल ढक दिया है नहीं, और अंदर से भी जाकर लोग नहीं देख पाते, लेकिन जब मैं गया तो वहां ऊपर लिखा भी हुआ था बेर जमजम। ये जहां पर आज हजरे अस्वद है उससे आप अगर सफा की तरफ चलिए तो बाईं तरफ मुड़ करके मुश्किल से 10 मीटर भी नहीं होगा, उससे पहले वहीं पर जमजम का कुआं है। तो वहां पर काफिरों ने एक बुत रखा था, एक बुत रखा था। तो जब काफिर तवाफ करते थे तो जैसे रुकने यमानी का हजरे अस्वद को हाथ लगाते और चूमते थे, ऐसे ही उस बुत को भी हाथ लगाते और चूमते थे। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा मैं आप तवाफ कर रहा था तो हमने भी उसको छू लिया। आपने कहा नहीं उसको ना छू। आपने क्या कहा? उसको ना छू। ये नहीं कहा कि वो तो छोटा सा बच्चा, ये नहीं कहा। क्या कहा? उसे ना छू। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा कि बचपना, लड़कपन, लापरवाही में हमने कहा जब दोबारा गुजरते हैं फिर आजमाते हैं, आप यकीनन मना सख्ती से करते हैं, ये क्या है? तो कहा जब दोबारा उधर से गुजरे और फिर हमने उसे हाथ लगाया, आप गुस्से से हमें देखा आपने हमारी तरफ और कहा हमने तुम्हें इससे मना नहीं किया, हमने इससे मना नहीं किया तुमने। तो ये देखिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपने बच्चों की तरबियत क्या है, तौहीद और शिर्क से दूरी पर किया करते थे। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी किताब अदबुल मुफरद में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्र इब्ने आस की रवायत एक लंबी हदीस नकल करते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वसीयत जिसमें है, कहते हैं नूह सलाम की जब इंतकाल हुआ तो अपने बेटे को बुलाया और कहा अरे बेटे मैं तुझे 4 चीजों का हुक्म देता हूं और 4 चीजों से रोक रहा हूं। उन 4 चीजों में पहली चीज ये थी कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह का एहतमाम करना, और जिन चीजों से मना किया था उनमें पहली चीज शिर्क थी और फिर उसके बाद किबर था। तो अर्ज करने का मकसद पहली चीज जिस पर बच्चों की तरबियत होनी चाहिए उस पर यह है कि बच्चों के दिल में अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का खौफ बैठाया जाए, अल्लाह की मारफत जागुदी की जाए। और अगर बचपन से बच्चों के दिल में
अल्लाह की अहमियत बैठ गई साथियों तो इल्ला माशा अल्लाह, वरना दुनिया की कोई ताकत से हिला नहीं सकती। अभी साथियों मादिये करीब का एक वाकया उर्दुन का पेश आया। अभी मैं अपने साथियों से कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा के जरिए हिंदुस्तान आवाम को मगरबी साम्राज्य से बहुत महफूज रखा है, बल्कि दूसरी दुनिया के लोग अरब ही क्यों ना हो, वहां मगरबी तहजीब को बड़ी तेज लोगों ने अपना लिया। आज हमारे और हमारी औरतें अपनी बेपर्दगी में वहां तक अभी तक नहीं पहुंची हैं जहां वो लोग 30 साल पहले पहुंच चुके थे। ये मैं अपनी आंखों की देखी बात बता रहा हूं साथियों, ये हमारे उलमा की कोशिशें और बरकतें थी। तो उन्हीं से मुतासिर होकर के एक स्कूल में एक स्कूली टीचर ने बच्चों को हुक्म दिया कि हाँ भाई, यहां तक कपड़ा पहन करके स्कर्ट मिनी स्कर्ट पहन करके आया करें। एक बच्ची थी, अपनी अम्मी से जाकर कहती है मैं चाहूंगा कि हमारी बहनें तवज्जो दें कि किस तरीके से बच्चियों की तरबियत होनी चाहिए और बच्चों के बारे में माँ और बाप दोनों तवज्जो दें कि कैसे होनी चाहिए। जब जाती है घर में, माँ से इसका जिक्र करती है, माँ कहती है लेकिन बेटा अल्लाह मियाँ ने ये लिबास पहनना जायज नहीं करार दिया। क्या करें, दोबारा दूसरे दिन मदरसे में गई और वही आम लिबास जो पैर बल्कि टखने से नीचे तक होता है और चौड़ा पहनकर वही लिबास जाती है। उस्ताद नाराज होती, किया क्या किया तुमने, हमने तुम्हें मना नहीं किया था। फिर बच्ची खामोश रह गई, 9-10 साल की बच्ची, आखिर क्या करती, ऐसे ही डर गई। कहा कल जरूर पहन करके आना। कल भी आकर के उसने अपने माँ के सामने रोया और कहा, माँ ने कहा लेकिन बेटी अल्लाह ने इसको जायज नहीं करा, इसलिए यही लिबास पहन करके जाओ। दूसरे दिन भी चली गई पहले लिबास पहन करके। उस्ताद और नाराज हुई, मारने की धमकी दिया, कहा अगर कर ये कपड़ा ले करके नहीं आई तो तुझे सजा दूंगी। बेटी फिर आई घर में, रोने लगी माँ के सामने, माँ के सामने रोने लगी। हमारे यहां बहुत से लोग क्या करेंगे, कहेंगे क्या किया जाए, बच्चों को पढ़ाना तो है ना, लिहाजा। और आज हमारे बच्चे गुमराह इसीलिए होते हैं, उनके यहां वला और बरा का मामला नहीं रह गया है। दोस्ती किससे होनी चाहिए, दुश्मनी किससे होनी चाहिए, कुर्ब किसके रहना चाहिए, दूरी किससे इख्तियार करनी चाहिए, उसी का नतीजा है साथियों कि आज इस जनूब के इलाके में बहुत सी मुसलमान लड़कियां गैर मुसलमों के साथ निकल जा रही है। बात सही नहीं, यही नतीजा है कि अकीदे को उनके दिल के अंदर रासिक नहीं किया गया, बचपन ही से और घर से उन्हें अकीदे की तालीम नहीं दी गई, उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि जो अल्लाह का बागी होगा वो तेरा दोस्त कैसे बन सकता है, उन्हें नहीं बताया गया, उनके ध्यान में यह बात नहीं डाली गई। तो वो बच्ची फिर जाती है मां के पास, रोती है और मां से जब कहती है तो मां कहती है बेटी लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें यह कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं दी। फिर स्कूल आ गई तीसरे दिन, अभी खड़ी ही है, जैसे हमारे यहाँ पीटी चलती है ना, वैसे वक्त हुआ खड़ी हुई है कि उस्ताद ने दूर से देखा, वो छड़ी लेकर बढ़ती है उसकी तरफ और निकला कहा इधर आओ तुम, और छड़ी उठाई मारने के लिए, कहा हमने तुझे मना नहीं किया था। साथियों अल्लाह ताला ने उस बच्ची की जुबान पर एक ऐसा कलमा जारी कर दिया जिसने उस उस्ताद के वजूद को हिला करके रख दिया। बच्ची ने क्या कहा, कहती है पता नहीं मैं किसकी बात मानूं, आपकी बात मानूं कि उसकी बात मानूं। उसने कहा कौन है वो जिसकी बात मानने की बात तू कर रही है, मेरी बात में किसकी बात मानेगी तू। कहती कि अल्लाह, किसकी बात, अल्लाह। साथियों ये कहना था कि उस्ताद चूंकि मुसलमान थे उसके हाथ से छड़ी गिर गई, फौरन रोती हुई भाग करके आती है क्लास रूम में ऑफिस में और वहां से उसकी माँ को टेलीफोन करती है कि आज तेरी बेटी ने मुझे वो नसीहत की है कि आज तक किसी ने वो नसीहत मुझे नहीं की थी। लेकिन ये चीज पैदा क्यों हुई साथियों, इसलिए कि माँ ने बाप शौहर की नहीं, भाई की नहीं, उस्ताद की नहीं, सबसे ज्यादा अजमत अल्लाह ताला की अपनी बेटी के दिल में बैठाई, वाकिफुम फिल्लाह, अल्लाह के बारे में उसे मुतरबे कर रहा हूं। और हमारे यहां
बचपन में जो हम इस किस्म के झूठे बूठे किस्से सुनते आते थे, उसकी वजह यही है कि बच्चों के दिल में अल्लाह की आदमत बैठानी है। जैसे हमारे मशायख मौजूद हैं, जानते होंगे कि बचपन में हम लोग एक किस्सा सुनते थे कि एक उस्ताद ने अपने बच्चों को एक एक सेब दिया और कहा जा करके ऐसी जगह खाना जहां कोई ना देख रहा हो। सुना होगा लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा। सब बच्चे घर सेब लेकर के गए, कोई बिल्कुल कोठरी में छुप करके खाया जहां किसी ने नहीं देखा, कोई मैदान में बाहर निकल गया जंगलों में वहां खाया किसी ने नहीं देखा। सुबह को आते हैं सारे बच्चे तो तमाम बच्चों के हाथ में तो सेब नहीं है, एक बच्चे के हाथ में सेब है। उस्ताद पूछना शुरू किया, हाँ बेटा तुमने कहां सेब खाया? कहा हमने देखा घर में कोई नहीं है, अम्मी के कमरे में चारपाई के नीचे घुस करके चुपके चुपके जल्दी खा करके निकल आया, हमें किसी ने नहीं देखा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया। बेटा तुमने कहां खाया? मैं उसको छुपा करके रखा हुआ था, देखा घर में मौका नहीं मिल रहा है तो पीछे के रास्ते से निकला और चला गया बाग में अकेले, जहां कोई नहीं था वहां खा करके आया। ऐसे सारे ने अपना अपना एक किस्सा बयान किया, लेकिन जब उस बच्चे की बारी आई जिसके हाथ में सेब था, उससे पूछा कि बेटा तुमने क्यों नहीं खाया? कहा कि उस्ताद सलामत, जहां कहीं भी मैं जाकर के छुपना चाहा हूं, हमने कहा यहां तो मुझे कोई नहीं देख रहा है लेकिन अल्लाह ताला हमें जरूर देख रहा है, मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर अल्लाह ना। साथियों मैं जानता हूं यह बनावटी किस्सा है, यह झूठा है, लेकिन बच्चों के दिल में अल्लाह की अहमियत बैठाने के लिए, अल्लाह की का खौफ बैठाने के लिए इस किस्म के किस्से हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे। आए तो हमारी मजलिसों में क्या चलता है, फलाने कितने विकेट जीते, फलाने कितना किया और फलाने अजीब रूल अदा किया है फला फिल्म के अंदर, देखिए घरों में बैठ करके, और बाकायदा टीवी टेलीविजन तो रोजाना हर वक्त चलता ही रहता है। बात सही कि नहीं सही है? तो जरूरत यह है कि अपने बच्चों की तरबियत सबसे अहम साथियों यह है कि अकीदे पर की जाए। दूसरी चीज जिस पर तरबियत करनी चाहिए वो इबादत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी खुसूसी तवज्जो फरमाई। आपने क्या फरमाया, जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, है कि नहीं, और 10 साल के हो जाए तो उस पर मारो, और बालिग हो जाए ना पढ़े तो अब क्या करना, मारने के बाद क्या रह जाएगा जी, मारने के बाद क्या मार रहा रहता है भाई बताइए, बोले ना कत्ल रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन जाहिर बात कत्ल नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को अपने घर में रखना जायज नहीं है जो बालिग हो गया और नमाज नहीं पढ़ रहा है। वो बाप और मां गुनहगार हो रहे हैं कि जिनके बच्चे और बच्चियां बालिग हैं और उन्हें नमाज की तालीम नहीं दे रहे, मोहब्बत में पढ़े हुए हैं, यकीन अलमाल ने कयामत के दिन यही बच्चा उनकी गर्दन पर लड़ करके आएगा और कहेगा अय अल्लाह ताला इस नालायक बाप ने मेरे साथ खयानत की, इस माँ ने मेरे साथ खयानत की। भला बताइए ये हदीस सुना कि नहीं सुना है आपने कि 10 साल के हो जाए तो मारो, 10 साल का बालिग हो जाता है आदमी जी, बालिग रहता है, तो जब नाबालिगी पर मारने का हुक्म है तो बालिगी पर क्या होगा? इसीलिए आइम्मा का मुत्तफिका फतवा है साथियों कि गैर बेनमाजी जो है वो, चलिए भाई यहीं पर रखे ना, बेनमाजी जो है वो किसी माशरे पे चलता हुआ नहीं रहेगा, उसे जेल में डाला जाए वहां मर जाए, उसे तौबा कराई जाए नहीं तो कत्ल कर दिया जाए। लेकिन चारों इमाम जो बड़े मशहूर है उनमें से कोई ये नहीं कहता है कि बेनमाजी मुस्लिम माशरे में चलता फिरता नजर आए। तो बच्चों की तरबियत इबादत के ऊपर भी होनी चाहिए। साथियों मैं कह रहा हूं ये अजमत सलफ का की कॉन्फ्रेंस है ना, अगर सलफ के बारे में देखें हम, मैं तो कह रहा हूं वक्त तेजी से गुजरता जा रहा, सलफ के बारे में अगर हम देखें खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत की है। बसा औकात सही बुखारी शरीफ की रवायत है कि आप हजरत अली हजरत फातिमा को, हजरत फातिमा बालिग हो गई थी, शादी हो गई थी, अपने शौहर के यहां रहती थी, फिर भी अल्लाह के रसूल तहज्जुद के लिए उन्हें जगाया करते थे, फर्ज नमाज के लिए नहीं। अरे बुखारी शरीफ में साथियों, बुखारी शरीफ में है ना हदीस, तहज्जुद के लिए जगाया करते थे। बल्कि सुनन नसाई में है कि एक बार आपने जगाया और आकर के आप नमाज पढ़ने लगे, फिर थोड़ी देर में अंदाजा लगा कि कुछ खटखट की आवाज नहीं आ रही, ऐसा लगा कि फिर सो गए, फिर दोबारा आप गए
और डांटा हजरत अली को कि तुम लोग अभी तक उठे नहीं, जरा ये एहतमाम देखें। और हमारा ये एहतमाम देखें कि हम फर्ज नमाज के लिए भी नहीं उठाते अपने बच्चों को। तीसरी चीज जिस पर तरबियत होनी चाहिए साथियों, वो अखलाकियात पर है। अगर आप कुरान मजीद में हजरत लुकमान की वसीयतों को देखें तो उनमें आपको अकीदा भी मिलेगा, अल्लाह की आज़मत पर भी तरबियत मिलेगी, नमाज पर भी मिलेगी और अखलाक पर मिलेगा। या बुनैया अकीम الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا। ये दोनों अखलाकियात में है कि नहीं है? लोगों से बोलो तो हंसता हुआ तुम्हारा चेहरा रहे, मुंह बना करके लोगों से बातें ना करो, आयत अखलाकियात में। और बुलंद आवाज से ना चिल्लाओ जहां जरूरत ना हो, है ना अखलाकियात में। तो अर्ज करने का मकसद यह है साथियों कि बच्चों की तरबियत अखलाकियात पर भी होना चाहिए। अखलाकियात पर लोग तवज्जो कम देते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा झूठ की उसकी आदत ना पड़े, चोरी की उसकी आदत ना पड़े, सच बोलने की उसकी आदत रहे। आप लोग हदीस बार बार पढ़े होंगे, सुना अबू दाऊद में है, वो सहाबिया बयान फरमाते, सहाबी बयान करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल हमारे घर में आए, मेरी माँ ने हमें बुलाया कि यहाँ पर आओ, यहाँ मैं तुझे एक चीज देती हूँ। हालांकि कुछ देना नहीं था। आपने फरमाया क्या दोगी तू? कहा झूठ दे दूंगी। आपने फरमाया अगर तू कुछ ना देती तो ये भी झूठ लिखा जाता। यानी आपने यहां तक गवारा नहीं फरमाया कि झूठ में बच्चों को वादा किया जाए। क्यों? ऐसे ही बच्चों की आदत पड़ेगी। मेरे एक मिलने वाले थे, अरब थे, उनकी एक बच्ची 8 या 9 साल की थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी अगर आपको कोई काम नहीं करना होता है तो आप कह देती इंशाल्लाह। आपको कोई काम नहीं, बच्ची ने मांगा हाँ भाई मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, आपको कोई काम ना करना रहे, जब मैं कोई काम कहती क्या कहती हैं आप इंशाल्लाह। यानी ये देखिए हमारे में क्या तसव्वुर लेंगे। गोया झूठ के ऊपर इंशाअल्लाह की अहमियत हमने बच्चों के दिल से घटा दी है। हालांकि इंशाअल्लाह कब कहा जाता है साथियों? जब किसी चीज का इरादा कर ले तो। वला तकूलन लिशयइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। यह नहीं कि करना नहीं है और कहिए इंशाअल्लाह। आज मैं कोई काम ना करना रहे, हाँ मौलवी साहब जरा वक्त दे दिए कि हमारे आएंगे इंशाअल्लाह। और अगर देना होगा तो हाँ ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लो, मुझसे इत्तेसाल करना, मैं तुम्हें वक्त दे दूंगा। अब इंशाल्लाह नहीं आया है, वह सही कि नहीं सही है? तो जो कोई नाम हमने इंशाअल्लाह, ये अल्लाह तबारक तआला सूए अदबी है साथियों, हम तवज्जो नहीं देते हैं। अल्लाह के साथ सूए अदब है कि अल्लाह का नाम लेकर सूरत हाल तो यह है। सही बुखारी शरीफ में रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत ईसा इब्ने मरियम ने एक शख्स को चोरी करते देखा, उससे कहा तुम चोरी कर रहे हो, कहता अल्लाह की कसम हमने चोरी नहीं की है। हजरत ईसा इब्ने मरियम ने क्या कहा? तू सच बोल रहा है, मेरी आंखों ने धोखा खाया। क्यों? तुमने अल्लाह की कसम खाई है, ऐसी जात का नाम लिया है कि जिसका नाम सामने आ जाए तो यकीन करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की आजमत है। और हमें कोई काम ना करना है तो क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह। तो खैर साथियों 10 मिनट रह गया है, बस जरा इख्तिसार के साथ कि तरबियत के मामले में हमसे गलतियां कहां कहां होती हैं, हम कहां कहां गलती करते हैं। पहली चीज तो यह है, मोहब्बत तरबियत पर गालिब ना आए। जरा तवज्जो देंगे, मोहब्बत तरबियत पर गालिब ना आए। मिसाल के तौर पर है, बच्चे का है सुबह एग्जाम है, रात को पढ़ता रहा, 10 बज गए, 11 बज गए, 1 बज गए और बच्चा सो गया। माँ बाप क्या कहेंगे? अगर अभी तो सोया है, फजर के लिए उठाएंगे तो अभी उसको तो इम्तिहान देने जाना है, कैसे जाएगा? चलो कोई बात नहीं है, अभी इम्तिहान के लिए जब जाने के लिए उठाएंगे तो नमाज पढ़ लेगा, है ना? यहां जानिब मोहब्बत गालिब आई कि नहीं गालिब आई? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जानिबे तरबियत को गालिब रखना चाहिए, जानिबे मोहब्बत को पीछे कर देना चाहिए। क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को नहीं सुना है कि एक बार आप सदका के खजूर तकसीम कर रहे थे, हजरत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु भागे भागे आते हैं,
और आप इधर उधर गाफिल हुए और सदके का एक खजूर उठा करके अपने मुंह में डाल लिया। आपने जब दूसरी तरफ तवज्जो फर उनकी तरफ तवज्जो की तो देखा कि अपने मुंह को वो चला रहे हैं। आपने उनके मुंह को पकड़ा, अपनी उंगली अंदर डाली और डाल करके उनकी खजूर को निकाल करके फेंक दिया। कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि सदका हमारे लिए आराम? जरा सोचिए, बच्चे के मुंह से किसी चीज को निकाल करके फेंकना यह कितनी भारी चीज है साथियों। लेकिन जानिबे मोहम्मद को जानिबे तरबियत पर गालिब नहीं होने दिया। इसकी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं साथियों। दूसरी चीज, बच्चों के दरमियान अदल और मुसावात को मलहूज़ नजर रखना चाहिए। आम तौर पर साथियों, जो मेरी तरह लोगों के मसाइल से दिलचस्पी रखता होगा उसे मालूम होगा कि आम तौर पर लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे वालदेन हमारे और हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं। बस सही कि नहीं सही है? करते हैं ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। अदलु बैन औलादिकुम, अपने बच्चों के दरमियान क्या है, अदल से काम लो। मैं तफसील में नहीं जा, सिर्फ इशारा करता हूं। आपको वो हदीस याद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे, एक शख्स का बेटा आता है, आपने उसने उसे अपने दाएं बैठा लिया, दूसरा बेटा आया तो आपने उसे आगे बैठाया, आपने कहा उसे गोद में क्यों नहीं बैठाया? हल्ला अदल तबैनहुमा, तुमने इन दोनों के दरमियान इंसाफ से काम क्यों नहीं लिया? यहां तो हम बेटे और बेटी में तफरीक करते हैं, बेटे को ज्यादा मानते हैं और बेटी को कम चाहते हैं। एक बेटे के बीवी को दूसरे बेटे के बीवी पर ज्यादा तरजीह देते हैं। आम तौर पर लोग शिकायत करें, घर का खर्चा मैं चलाता हूं, ज्यादा पैसा मैं देता हूं, लेकिन मेरे वालदेन ने मेरे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया। तो यह चीज भी तरबियत की गलती है। मिसालें साथियों बहुत ज्यादा हमने नोट किया है, लेकिन वक्त की कदर कर रहा हूं। तीसरी चीज, दीनी तालीम, दीनी अकीदा को पसे पुश्त डाल देना और दुनिया की तरक्की पर ज्यादा तवज्जो देना। कोई बात नहीं, मुसलमान बाप के घर में पैदा हुआ, खतना हुआ, मुसलमान तो हो जाएगा, कम से कम पासपोर्ट तो उसका। साथियों वल्लाह हमने ऐसे लोगों को देखा है, 25 साल का है, 25 साल का इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम से किया है, लेकिन उसे सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने बैठ करके। और जब हमने उसे अहमियत समझाई तो अल्लाह की कसम अपने बाप को गाली देने लगा है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाकर क्या फायदा लिया, मैं आकर खेत में काम कर रहा हूं, मुझे नमाज नहीं सिखाई है। हमने कहा यह तो दुनिया के अंदर है, आखिरत में पता नहीं तो अपने बाप के साथ क्या करेगा। तो यह चीज हगीज नहीं होनी चाहिए कि दुनिया की तालीम के बारे में तो खूब तवज्जो दिया जाए। मैथमेटिक्स का जो उस्ताद है, वो ट्यूटर है, उसको कितना मिलना चाहिए? 4000 पर पढ़ा रहा है, और जो मौलवी साहब कुरान पढ़ा रहे हैं, अरे मस्जिद में भेज दो, पढ़ लेगा मुफ्त में। 1000 पर किसी को बुलाकर अपने यहां पढ़वाने पर राजी नहीं होंगे। है बात सही कि नहीं सही है? ये बहुत बड़ी खयानत है। अरे माँ तू भी सुन ले, अरे बाप तू भी सुन ले, अल्लाह की कसम कयामत के दिन यही बच्चा जो इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा है, ये तेरे खिलाफ गवाही देगा। हाफिज अब्दुल मन्नान साहब वजीराबादी रहमहुल्लाह, जो दोनों आंख से नाबीना थे, उनके बाप ने क्या कहा कि चलो इसे हाफिज बना दो, कम से कम मस्जिद का इमाम बन करके अपनी रोजी रोटी तो हासिल करेगा। और किसी बेटे को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, जो लोग देखते रहे। हाफिज अब्दुल मन्नान साहब, बड़ा किस्सा लंबा है साथियों, किसी मजलिस में सुन लेना, बड़ी है दास्तां मेरी। हाफिज अब्दुल मन्नान साहब वजीराबादी रहमहुल्लाह ने एक दिन अपने बाप को ख्वाब में देखा है, ये बता रहा हूं, अपने बाप को ख्वाब में देखा है। वो कहते हैं कि अब्दुल मन्नान, जब तुम मस्जिद में बैठ करके बुखारी शरीफ का दर्स देते हो तो उसकी ठंडक मुझे कब्र में महसूस होती है। अल्लाह की कसम साथियों, आपने कदर नहीं की, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं अपनाई। अरे बाप, अरे मां, आज मकसूद जो यहां बैठा है, और पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं,
अरब दुनिया में नहीं, यूरोप में भी जफरुल हसन की जो तूती बोल रही है उसके पीछे उनके वालदैन की तरबियत का असर। साथियों, अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। मैं फारिग होने के बाद मदरसे में जाहिर बात असातिदा तलबा और मुदर्रिस नादिम की जिंदगी बड़ा मैं हिस्सा इस तरह वाके हुआ हूं। मेरी कोई तवज्जो नहीं थी मदरसे में पढ़ाने की, मैं तजारत करना शुरू कर दिया और आपके यहां नांदेड़ तक आता था कपड़ा ले जाने के लिए, हैंडलूम कपड़ा यहां पर आता था। लेकिन मेरी वालदा हमेशा यह कहती थी, हालांकि कोई आलिमा नहीं थी, कोई इतनी बड़ी मुत्तकी आम तौर पर हेदगार जो रातों रात नमाज पढ़ती ऐसी औरत नहीं थी, आम औरत नमाज रोजे की पाबंद, वो क्या कहती हैं, बेटा इसलिए हमने तुम्हें नहीं पढ़ाया है, किसी मदरसे में पढ़ाओ, थोड़ा पैसा रहेगा अल्लाह मियां उसमें बरकत देगा, लेकिन इस तजारत से जो पैसा होगा अल्लाह उसमें बरकत नहीं देगा, अल्लाह की कसम। ये उनके अल्फाज। तो अर्ज करने का मकसद यह है साथियों कि दीनी तालीम पर, दीनी तवज्जो पर दुनियावी तालीमात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो अल्लाह अब्दुल मन्नान साहब वजीराबादी रहमहुल्लाह ने कहा कि हमने ख्वाब में देखा, मेरे बाप कहते हैं कि ए अब्दुल मन्नान, जब तुम बुखारी शरीफ का दर्श देते हो बैठ करके तो उसकी ठंडक मुझे कब्र में महसूस होती है, और तुम्हारे दूसरे भाई जो वकील साहब हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, जो फला साहब हैं, उनकी तरफ से मुझे कुछ नहीं पहुंच रहा है। जब वो खुद अपने लिए नमाज नहीं पढ़ सकता है तो आपके लिए दुआ क्या करेगा, उसे खुद अपनी नमाज सही नहीं है तो आपके लिए दुआ कैसे करेगा। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि दीनी तालीम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और चौथी चीज, बहुत सी औरतों की अजीब आदत हुआ करती है कि बात बात पर बच्चों को गालियां देना शुरू कर देती है, बद्दुआएं देना शुरू कर देती है, बस सही कि नहीं सही। ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक चीज। औलाद गलती क्यों ना कर रही हो साथियों, ऐ मोहतरम बाप, ऐ मेरी बहन मां, अपनी जुबान से उनके लिए बद्दुआ के अल्फाज कभी ना निकालो। अल्फाज निकले तो दुआ के निकले। हो सकता है कि किसी ऐसे वक्त में अल्लाह की रहमत जोश पर हो तो उसके लिए बद्दुआ करे, तेरा दिल जल रहा हो, अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल कर ले और तेरे बच्चे की आकबत बर्बाद हो जाए। इसीलिए एक शख्स अब्दुल्ला मुबारक के पास आता है और कहता है मेरा बेटा बड़ा नालायक है, मेरी बात मानता नहीं है। कहता है कि अच्छा ये बताओ, कभी तुमने उसके लिए बद्दुआएं तो नहीं दी? कहता हाँ, एक बार बद्दुआ तो दी थी, कहा कि अंतल्लज़ी अफ़सरता, तूने उसे बर्बाद कर दिया है, तूने उसके लिए बद्दुआ की। आप सख्ती के साथ मना फरमाइए, ला तदउ वला अनफुसिकुम वला अला अमवालिकुम वला अला औलादिकुम, तुम अपने ऊपर बद्दुआ, अपनी ऊपर बद्दुआ ना करो, अपने माल पर बद्दुआएं ना दो, अपनी औलाद को बद्दुआ ना दो। हो सकता है कि कोई घड़ी अल्लाह कहते दुआ की कबूलियत का वक्त हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए और वो सारे सारे तबाह बर्बाद हो जाए। साथियों, 1410 में मैं रियाद में था, रियाद शफा के इलाके में एक बाप ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, बच्चे को, बच्चा आया बाहर से पढ़ करके अच्छी नौकरी हासिल की, और बाप बेटा, बाप वही पुराना अपना, वही पुरानी डंडा लेकर के चलने वाला, फटे चप्पल है, फटा कपड़ा है, और बस मस्जिद आने जाने वाला यही है। एक दिन जुमा का दिन था, बीवी ने कहा कि आइए खाना खा करके जल्दी चले जाइए, ये मजलिस जो है इसमें तुम्हारे, हमारे यहाँ कुछ औरतें मेहमान आ रही हैं, मैं यहाँ बैठाना चाहती हूँ। कहा कि अच्छी बात, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। खाना खाया, बाप मस्जिद तरफ जाने लगा, अभी थोड़ी दूर गया था तो क्या देखता है कि दरवाजे पर आकर के गाड़ियां पर गाड़ियां, गाड़ियां पर गाड़ियां रुक रही हैं। पीछे मुड़ करके देखा तो औरतें उतरने के बाद कौन उतर रहे हैं, मर्द उतर रहे हैं, लड़के उतर रहे हैं। कहता है करें कहीं मेरे बेटे का एक्सीडेंट तो नहीं होगा कि लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, मामला किसका था, औरतों के आने का है ना, ये मर्द क्यों आ रहे हैं। और क्या देखता है, आता है लड़का, खुशी खुशी अंदर बैठाता है, वो बंदा सीधे अंदर जाता है। बीवी थी, उसने झिड़का, कहाँ आ गए तुम,
बहू थी उसके पास जाता है कि बेटी मामला क्या है। बहू ने सच कह दिया कि अब्बा जान, सूरत हाल ये है कि आपके बेटे के दोस्त लोग आ रहे हैं और वो नए ख्याल के हैं, वो उस ख्याल के हैं जिससे मुतालिक अकबर इलाहाबादी ने कहा है, हम ऐसी सब किताबें काबिल दफ्ती समझते हैं, हम ऐसी सब किताबें काबिल दफ्ती समझते हैं कि जिसको पढ़ के लड़के बाप को जी खबती समझते हैं, पागल समझते हैं, ऐसी किताबें जब्त कर लेनी चाहिए। ऐसी किताबें पढ़ा हुआ था। कहा कि उसे पसंद नहीं है कि उसके दोस्त आए तो आप घर में मौजूद रहे। वल्लाह जुमा का दिन था, बाप के दिल को सख्त ठेस पहुंची, कुछ बोला नहीं है, सीधे गया मस्जिद में और दो रकात नमाज पढ़ करके हाथ उठा लिया दुआ करने के लिए। बीवी के लिए भी दुआएं दी और बेटे के लिए बदुआ। साथियों शनिचर के दिन सुबह 7:30-7:15 बजे जो लोग वहां रह चुके हैं देखते हैं कि वहां रोडों पर कितनी भीड़ होती है। तेजी के साथ वो जा रहा था, एक क्रॉसिंग के ऊपर बेटा अपनी गाड़ी से जा रहा था, उधर से एक गाड़ी आती है, जोर से इसे ठोकर मारी और बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसका इतना बेकार होगा, 24 घंटा भी नहीं गुजरे साथियों। तो बाप ए बाप, अगर जो तुझे तकलीफ पहुंचे बेटे के लिए दुआएं दे, बददुआएं कभी ना दे। अरे माँ, अगर जो तुझे तकलीफ पहुंचे बेटे के लिए दुआएं दे, बेटी के लिए बददुआएं कभी तू ना दे। ये तरबियत का सही तरीका नहीं है। पांचवी चीज, हमारे ख्याल से वक्त हो गया ना, बच्चियों की पैदाइश पर नाराज होना यह भी तरबियत के अंदर गलती है। बच्चों के सामने फवाहिश और मुनकरात का इर्तिकाब करना यह भी तरबियत के अंदर बहुत बड़ी रुकावट बनती है और बहुत बड़ी गलती है। इसी तरीके से नसीहत और डांट फटकार में हिकमत अमली को मद्देनजर न रखना। बाद लोग नाओ देखते हैं, नताओ देखते हैं, बच्चे को डांटना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया, हालांकि ऐसा मौका रहता है कि बच्चा उस पर जगह का और लिहाज रखना चाहिए, मारना कहाँ है, डांटना कहाँ है, समझाना कहाँ है। पांचवी चीज यह है कि बच्चों की गलतियों पर खुश होना, उन्हें मुतनबह न करना। बहुत से लोग बच्चे गाली देते हैं तो खुश होते हैं, खा तो छोटे बच्चे रहे तो है कि ना, कोई किसी को मार देता है तो खुश होते हैं, नहीं, बच्चों के साथ बेतमीजी करते हैं तो मार देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छठी चीज, एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि लोग अपने बच्चे और बच्चियों पर मुकम्मल एतमाद कर लेते हैं, दूसरा कुछ शिकायत भी करता है तो उससे नाराज हो जाते हैं और अपना बच्चा झूठ बोलता है तो उसको। अगर साथियों मैं मिसाल दूं जिनको हमने देखा है तो नाम लेकर मिसाल देकर बयान कर सकता हूं, वालिदैन ने तवज्जो नहीं दी और बेटा बर्बाद हो गया। लोग समझाते रहे, खास तौर पर जो लोग दूर रहते हैं, चाहे शहरों को छोड़ देहात को छोड़कर शहरों में रहते हैं, एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में रहते हैं और पैसा खूब भेजते हैं तो बच्चे आदत हो जाया करते हैं। चचा ने कुछ कहा तो मोहतरमा कहती नहीं, ऐसे बच्चों से चिढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, मोहतरमा अलग हो जाया करती है और बच्चे उसमें तबाह और बर्बाद हो जाया करते हैं। तो बच्चों की गलती, बच्चों पर मुकम्मल एतमाद कर लेना, वल्ला मुझे बहुत पसंद आई। अभी इस बार पिछले मुश्किल से 10 दिन गुजरे होंगे, मेरी अहलिया उमरा करने गई थी तो कोयत से ये देखिए, कोयत से एक पाकिस्तानी फैमिली आई थी जिनकी सिर्फ एक बेटी थी, दुनिया में कोई नहीं था, एक बेटी थी, लेकिन आप मानेंगे उस बेटी के पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था। वो कहती है कि मेरे अब्बा जान ने कहा, बेटी अल्लाह की कसम तू मुझे मेरी जान से भी अजीज है लेकिन तुझे मैं मोबाइल लेकर के नहीं दूं, तुझे मोबाइल लेकर के नहीं दूं। देखिए ये हो सकता है, बस औकात ये गलती भी हो सकती है, लेकिन ये है कि बाप तवज्जो दे, मुकम्मल एतमाद, अंधाधुंध एतमाद बच्चों पर नहीं करना चाहिए और ये बच्चों की बर्बादी और तबाही का बहुत बड़ा सबब बनता है। साथियों ये चंद बातें थी जो कुछ बात तफसील के साथ और बात इख्तसार के साथ औलाद की तरबियत क्यों और कैसे से मुतालिक कही गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम बच्चों को हमारे आंखों की ठंडक बनाए, अल्लाह ताला तमाम बच्चों की इसलाह कर दे, अल्लाह उन्हें दीन का सिपाही बनाए, अल्लाह ताला हमें तमाम बहनों
हमारे भाइयों को और उनके और हमारी बहनों को ये तौफीक दे कि अपने बच्चों की सही और शरई मेयार पर उनकी तरबियत कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मुसलमानों का यहाँ पर जमा होना कबूल फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।